नमस्तु। आराधना में तुम लीन हो, महाराज दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तेज लक्ष्मी। शंकर बैठी थी, उनके नेत्र से अश्रु गिरा, उससे बेलपत्र उत्पन्न, काय का वृक्ष उत्पन्न हुआ, बेलपत्र। पूरी दुनिया में केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर पुआरी लगाने के लिए जाती है, झाड़ू झाड़ू करके बेलपत्र के पेड़ पर। बेलपत्र का वृक्ष जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आई नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार, पांच सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए, पांच सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे पुआरी लगा देता है। शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में धन संपदा वैभव सत्ता लक्ष्मी की थोड़ी भी कमी दिखती हो उसको बेलपत्री के वृक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए। जाओ सोमवार के दिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान देवाधिदेव महादेव गौरी शंकर का स्मरण करो। बेलपत्र की जड़ की और बेलपत्र की तना की और बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख हो, कोई आसन नहीं, कोई आसन नहीं, केवल बेलपत्र के वृक्ष की और तुम्हारा मुख हो। जहां बेलपत्री का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर उसकी छाया में उसकी ओट में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या फिर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर अपने हृदय की बात गौरी शंकर से महादेव से कहे। शिव महापुराण की कथा कहती है सात दिनों में एक दिन सोमवार का ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भरते हैं। देवता भी जिनका भजन कर रहे हैं वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे निरंतर विराजमान होती है। और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहेंगे, ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे, ये मानव की देह जब तक रहे, जिंदगी में एक बेलपत्री का वृक्ष अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना को बड़ा कर जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हो ऐसे लगाकर बड़ा कर महादेव से कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में, मैं मर भी जाऊं मेरे प्राण छूट भी जाएं, मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर ये वृक्ष मैंने बेलपत्री का लगा दिया, अगर मैं मर भी गई तो मेरे मरने के बाद भी मेरे हाथ की बेलपत्र महादेव को चलती रहेगी, महादेव को प्राप्त होती रहेगी। लगाओ एक बेलपत्री के पौधे को, छोटे से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, बड़े से बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेलपत्री के वृक्ष को लगाओ। अगर गलती हो गई, ये बहुत गलतियां हो गई, बहुत दुख पड़ गया, तकलीफ में आ गए, लग रहा है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बाबा मेरी नहीं सुन रहा, ये बेलपत्र का भाग की घंटी पीछे की ओर कर दो, जहां बेलपत्र चला रहा है पत्ती का मुख अपनी और घंटी का मुख सामने, शुरू शुरू चला रहा है।